इंट्रोड्यूसिंग वीवो V17। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको वीवो का अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो V17 और वीवो V17 प्रो दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन के हाईलाइट फीचर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V17 के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और क्या रहने वाला है इसका प्राइसिंग। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6.7 इंच का एक एमोलेड स्क्रीन, जो कि आने वाला एक बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और साथ ही में दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले होने की वजह से इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा। और दोस्तों उसके साथ ही ये वीवो का पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला है प्राइमरी 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 के सेंसर के साथ और इसके सेकेंडरी कैमरा में आपको देखने को मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 64 मेगापिक्सल सैमसंग ISO सेल GW1 का सेंसर और उसके साथ ही दोस्तों 13 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का और भी कैमरा देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की डिजाइन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है बैक साइड में एक बहुत ही बेहतरीन ग्लास फिनिशिंग का डिजाइन, जो कि आने वाला है एक प्लास्टिक बॉडी के साथ। और अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 712 का प्रोसेसर, जैसा कि वीवो Z1 प्रो में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 5000mAh की बैटरी, जो कि इस प्रोसेसर को पावर देने वाला है, जिससे कि आप बहुत ही लॉन्ग टाइम तक गेम खेल सकेंगे आप इस स्मार्टफोन में। और अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाला है एंड्रॉइड पाई के साथ, जो कि फन टच OS को सपोर्ट करेगी। और बात करें वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है इंडिया में 15 से 17 हजार रुपए के करीबन, जो कि होने वाला बेस वेरिएंट 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज का। और बात करें वहीं दोस्तों स्मार्टफोन की हायर वेरिएंट की, जो कि होने वाला है 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाला है 20,000 रुपीज के करीबन। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, दोस्तों इस स्मार्टफोन को इंडिया में रिलीज किया जाएगा दिवाली से पहले। तो क्या दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके अपना राय बता सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।